मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल के चलते आज से प्रदेश के किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले 4 सितंबर से प्रदेश के सभी मंडियों में व्यापारियों ने खरीद बंद कर दी है। हालांकि व्यापारियों से सरकार लगातार बातचीत के प्रयास कर रही है, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। आज से मध्य प्रदेश के सभी मंडियों के कर्मचारी भी के साथ खेतों में बोनी का इंतजार कर रहे किसानों को भी परेशानी में डाल सकते हैं। किसान नेताओं का कहना है कि व्यापारियों का शुरू से ही टैक्स चोरी की घटना सामने आती रही है। व्यापारियों की अधिकतर मांग बेवजह है। वहीं व्यापारियों ने काफी समय से चले आ रहे टैक्स को हटाने की मांग की है। साथ ही व्यापारियों ने मंडी प्रशासन के फ्लाइंग स्क्वाड को भी खत्म करने की मांग की है। व्यापारियों के द्वारा हड़ताल की गई है, जिसमें उनके द्वारा विभिन्न मांगें की थी माननीय मुख्यमंत्री से और मध्य प्रदेश शासन से। और ये 4 तारीख से व्यापारी हड़ताल पे गए थे, और जिसमें उनकी मांगों के संबंध में शासन द्वारा लगातार बात भी की जा रही है। प्रबंध संचालक महोदय ने भी लगातार बात किया है, और कुछ कुछ व्यापारियों में सहमति बनी, कुछ व्यापारियों में असहमति बनी। और वर्तमान में अगर व्यापारी समाज में देखें तो 45 मंडी से लगभग 25 मंडियां वर्किंग लगातार ही करती आई किया। कल जैसे डबरा व्यापारियों से बात किया, दतिया से बात किया, अशोकनगर, गुना, ये बड़ी बड़ी मंडियों में से। तो हमारी डबरा मंडी आज से चालू हो गई है, बाकी अन्य मंडियों के संबंध में व्यापारियों ने आश्वासन